पिछले 5 वर्षों में देश के तमाम शहरों में रहने वाले लाखों लोगों को अपने सर पर छत मुहैया कराने के एक सफल प्रयास का पर्यायवाची है प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी। जब आजादी के 75 साल हो तब हिंदुस्तान में कोई परिवार ऐसा न हो जिसका अपना घर न हो। 2015 में शुरू की गई इस योजना को पिछले 5 वर्षों में आवास और शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार ने अपने सतत प्रयास से एक नया आयाम दिया है, जिसमें अब तक 1 करोड़ से ज्यादा आवासों को स्वीकृति दी जा चुकी है। इनमें से लाखों परिवार आज देश के विभिन्न शहरों में अपने सपनों के घर में रहते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत स्वीकृत आवासों की संख्या पिछली योजना के मुकाबले लगभग 8 गुना से भी ज्यादा है। ये सार्थक बदलाव माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन, मार्गदर्शन और योजना के बेहतर क्रियान्वयन की वजह से हो पाया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रेडिट लिंक सब्सिडी योजना देश में पहली बार मध्यम आय वर्ग को भी इस योजना में CLSS घटक के तहत लाभ प्रदान किया जा रहा है। CLSS में अब तक EWS, LIG और MIG वर्ग के लिए कुल 10 लाख से अधिक लाभार्थी शामिल हो चुके हैं। मैं फतेहगंज विस्तार में छोटी मस्जिद के पास पुराने मकान में भाड़े से रहता हूं और मेरी फैमिली के साथ मेरे को संडास की तकलीफ और पानी की तकलीफ थी और मेरे को आवास योजना का फॉर्म निकला। उसके अंदर मैंने मेरी वाइफ को बोला कि भाई जा एक देख फॉर्म मिल रहे तो फॉर्म लेके आ तो कुछ अपना सपना पूरा होगा। इतनी बड़ी संख्या में आवासों के निर्माण और लाभार्थियों को शीघ्र आवास प्रदान करने हेतु ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज के जरिए 54 नवीनतम और इको फ्रेंडली तकनीक की पहचान की गई है। इन तकनीक की सहायता से देश के 6 राज्यों में योजना में 1-1 हजार EWS आवासों वाले लाइट हाउस प्रोजेक्ट का निर्माण होगा। योजना में लाभार्थियों को सभी आधारभूत सुविधाओं सहित घर के अतिरिक्त नए वातावरण के अनुरूप उन्हें सक्षम बनाना एवं बेहतर जीवन प्रदान करने हेतु देश भर के लगभग 5000 शहरों में अंगीकार अभियान चलाया गया। इधर प्रधानमंत्री का आवास का घर आया, इधर आएगा ना मेहमान भी सब लोग खुशी होता है उधर आने के लिए। बैठने के लिए भी जगह है, बच्चों के भी खेलने के लिए सब अच्छा है। पानी का भी तो कुछ टेंशन भी नहीं, इधर 24 कलक पानी आ रहा है, इधर साफ सफाई तो बहुत अच्छा करते रोज। आज खुशी के दिन है, थोड़ा अच्छा है, 2 बेडरूम मिला, हॉल है, किचन है, बाथरूम है, बालकनी है, थोड़ा अच्छा है। अब तक योजना के अंतर्गत निवेश की वजह से सीमेंट, स्टील और संबंधित उद्योगों को बढ़ावा मिलने के साथ साथ रोजगार के नए अवसर भी पैदा हुए हैं। शहरी प्रवासी और गरीबों को उनके कार्यस्थल के समीप किफायती किराए पर आवास उपलब्ध कराने के लिए अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस स्कीम की घोषणा की गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक सफल प्रयास साबित हुआ है। इसने सारे देश को एक सूत्र में बांधने का काम किया है। इसके अंतर्गत कमजोर तबकों, महिलाएं, विकलांगों, वरिष्ठ नागरिक एवं सामाजिक तौर पर पिछड़े समूह को फायदा मिला है।